आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानी व्यक्ति में। मेरी आप सभी से विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सभी धर्मों की एकता पर जोर देने वाले आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस एक महान संत, साधक एवं विचारक थे। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल प्रांत स्थित कामारपुकुर ग्राम में हुआ था। बचपन से ही रामकृष्ण परमहंस को विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं और इसके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर की भक्ति और कठोर साधना में बिताया। एक बार स्वामी रामकृष्ण ने अपने शिष्य स्वामी विवेकानंद से पूछा, जब हाथी गुजरता है तब कितने ही कुत्ते भौंकते हैं पर हाथी पीछे मुड़कर नहीं देखता, इसी तरह जब कोई आपकी निंदा करता है तब आप क्या करेंगे? स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, मैं तो समझूंगा कि कुत्ते तो भौंकते ही हैं। श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, इसको अधिक नहीं समझना चाहिए, सभी में परमात्मा का ही वास है। विवेकानंद ने पूछा, बाघ में भी परमात्मा का वास है तो क्या बाघ को गले लगाना चाहिए? यदि बाघ में भी नारायण है तो लोग बाघ को देखकर क्यों कहते हैं कि भाग चलो? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया, जो लोग कहते हैं कि भाग चलो उनमें भी तो नारायण का वास है, उनकी बात क्यों ना मानी जाए। आइए जानते हैं रामकृष्ण परमहंस के उपदेश देते अनमोल विचारों को और उनसे प्रेरणा लेते हैं। हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहें कि धन, नाम और आराम जैसी क्षणिक चीज़ों के प्रति आपका लगाव हर दिन कम से कम होता जाए। आप बिना गोता लगाए मणि प्राप्त नहीं कर सकते, भक्ति में डुबकी लगाकर और गहराई में जाकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम के माध्यम से त्याग और विवेक की भावना स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। एक सांसारिक व्यक्ति जो पूरी ईमानदारी से ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, उसे अपने जीवन में ईश्वर से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जिस तरह गंदे शीशे पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, उसी की तरह गंदे मन विचार वाले व्यक्ति पर ईश्वर के आशीर्वाद का प्रकाश नहीं पड़ता। सभी धर्म समान है, महत्वपूर्ण बात यह है कि छत पर पहुंचने के लिए आप पत्थर की सीढ़ियों से, लकड़ी की सीढ़ियों से, बांस की सीढ़ियों से या रस्सी से पहुंच सकते हैं। आप बांस के खंभे से भी चढ़ सकते हैं। आप अंधकार से प्रकाश की ओर तभी जा सकते हैं जब आप उसकी तलाश में हो, और यह तलाश बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि बालों में आग लगा हुआ व्यक्ति तालाब की तलाश में होता है। निस्वार्थ कार्य के माध्यम से भगवान का प्यार आपके हृदय में बढ़ता जाता है। दुनिया वास्तव में सच्चाई और विश्वास का मिश्रण है। विश्वास को त्यागो और सत्य को ग्रहण करो। यदि आप पागल ही बनना चाहते हैं तो सांसारिक वस्तुओं के लिए मत बनो, बल्कि भगवान के प्यार में पागल बनो। जिस व्यक्ति में चीज़ों की जय, वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता या भगवान की दृष्टि उस पर नहीं पड़ सकती। ये तीन हैं, लज्जा, घृणा और भय। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआ है जिसमें गिरकर निकल पानी बड़ा कठिन होता है। पवित्र पुस्तकों में बहुत सी अच्छी बातें मिल जाती हैं, लेकिन केवल उन्हें पढ़ने से कोई धार्मिक नहीं होता। वह ज्ञान जो केवल मन और हृदय को शुद्ध करता है वही सच्चा ज्ञान है। बाकी सब ज्ञान का निषेध है। कस्तूरी मृग उस गंध के स्रोत को पहुँचता रहता है जबकि गंध स्वयं उसमें से आती है। केवल दो प्रकार के लोग आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है।
परिवर्तित कर पाते हैं। धन्यवाद।